ये मेरे मामा है और एक ही मामा है और बहुत ही अच्छे मामा है, जो भी है मेरे भगवान भी हैं ये, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो भी मैं हूँ आज इन्हीं की वजह से हूँ और ट्रस्ट चला रही हूँ, तो इन्हीं की देन है कि आज मैं उस लायक हूँ कि गरीब बच्चों की मदद कर पा रही हूँ। और क्या बताऊँ इनके बारे में, बचपन से थी तब से इन्होंने मुझे सारा खर्चा अपने ऊपर, वो भी एक पैर के हैं, एक पैर एक्सीडेंट में इनका कट गया है, इसके बावजूद भी इन्होंने सारा मेरा खर्चा उठाया, पढ़ाया लिखाया और इतना सक्षम हमको कर दिए ये कि मैं आज करीब 19 बच्चे मेरे संस्था में पढ़ते हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ते हैं। और इन्होंने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी है कि बेटा गरीबों की मदद जरूर करना, और खुद भी करते हैं। एक पैर के होने के बावजूद भी अपने आसपास में अगर कोई ऐसी महिला है या कोई गरीब है या किसी के घर बिटिया की शादी है, तो ये उनकी जितना हो सकता है ये भरपूर उनका सहयोग करते हैं। और इन्हीं की प्रेरणा आज हमको मिली है कि आज मैं भी, मेरे दिल में हमेशा यही रहता है कि मैं जितना हो सकेगा मैं गरीबों की मदद करूंगी। और काफ़ी बच्चे मेरे यहाँ संस्था में पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क हैं, काफ़ी बच्चियाँ आती हैं और सिलाई कढ़ाई बुनाई मेहंदी पेंटिंग सारा खर्च मैं खुद उठाती हूँ। और तो आज सब इन्हीं की देर हाय करिए, हाय तो करिए, मेरे लिए भगवान है। चलो बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, इनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। और आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर, और एक मेरे मामा के लिए लाइक तो जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत तपस्या के तपस्या है इनकी, एक पैर के होते हुए भी ये इंसान मतलब इतना सक्षम बना दिए हैं हमको कि आज हम कई लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद।